हेलो फ्रेंड, ये सैमसंग का मोबाइल है, कीपैड मोबाइल। तो आप मॉडल नंबर देख सकते हैं, सैमसंग B310E मॉडल है। तो यहाँ पे आप मॉडल नंबर ये देख सकते हैं, B310E मॉडल है। तो फ्रेंड, ये इस पर हम चार्जिंग आप जैसे इंसर्ट करते हैं तो इस पर कुछ शो नहीं हो रहा है, मतलब आपका चार्जिंग शो नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर चार्जिंग शो कर रहा हूँ और पावर ऑन करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, तो ये ऑन नहीं हो रहा है। तो इसको हम निकाल देते हैं, बैक साइड की बैक के तरफ निकाल देते हैं और बैटरी निकाल देते हैं और इस पर चार्जर हम इंसर्ट करते हैं। चार्जर इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे मल्टीमीटर पे हम इसका वोल्टेज चेक कर लेंगे। तो यहाँ से हम प्लस माइनस इसका वोल्टेज हम चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है और बैटरी का वोल्टेज भी हम चेक कर लेंगे। तो बैटरी में वोल्टेज है, लेकिन इसका जो बैटरी है वो कार्बन हो चुका है, यहाँ रोस्ट हो चुका है बैटरी का। तो हम बैटरी को पहले क्लीन कर लेंगे अच्छा तरीके से। तो आपके पास अगर ऐसा है सैमसंग का कीपैड मोबाइल, आप ऐसा घर पे कर सकते हैं, तो उसको आप ये जो बैटरी का कनेक्टर पिन है उसको साफ करके, इसको आप कुछ भी ये से साफ करके, आप यहाँ से देख सकते हैं इसमें बैटरी में भी वोल्टेज है। तो हम यहाँ से बैटरी में, हम बैटरी कनेक्टर को भी थोड़ा साफ़ कर लेंगे। यहाँ से जो बैटरी का हमारा बैटरी का कनेक्टर है उसको भी हम साफ़ कर देते हैं यहाँ से। तो इसका थोड़ा दब गया है तो हम इसको उठा देते हैं और इसको भी थोड़ा साफ़ कर देते हैं बैटरी कनेक्टर को। फिर हम इसमें बैटरी लगा के देखेंगे जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हम बैटरी लगा के देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम बैटरी कनेक्टर और बैटरी को हम जो कार्बन हुआ था उसको साफ़ कर दिए। साफ़ करने के बाद हम लगाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्जिंग हो रहा है बैटरी, तो चार्ज हो रहा है बैटरी। तो यहाँ से हम पावर ऑन करते हैं, तो यहाँ पे हम पावर ऑन करने पे पावर ऑन हो चुका है अभी, आप देख सकते हैं। तो ये क्या होता है, थोड़े दिन जब बैटरी आपका लग के रहता है तो बैटरी पे कार्बन हो जाता है, बैटरी कार्बन होने से ये प्रॉब्लम आता है। तो आप देख सकते हैं अभी मोबाइल ऑन हो चुका है, तो पूरे तरीके से मोबाइल ऑन हो चुका है। तो यहाँ से हम कीपैड देख लेते हैं इसका काम कर रहा है, पूरा सही तरीके से काम कर रहा है। तो आपका अगर घर पे है, आप ऐसा मोबाइल डेड हो जाता है, पहले आप बैटरी की जो बैटरी कनेक्टर है उसको साफ़ कीजिए और बैटरी को भी साफ़ कर लीजिए। और यहाँ पे आप मॉडल नंबर देख सकते हैं, सैमसंग B310B।